Hi, welcome again. Guys, I'm J.S. Yadav and in today's video, we are going to talk about improving listening skills. आज की वीडियो में गाइज हम बात करेंगे कि हम लिसनिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें. तो हो सकता है गाइज आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि सर हाउ कम वी विल टॉक अबाउट लिसनिंग स्किल्स, वाई नॉट अबाउट स्पीकिंग स्किल्स. हाँ, हम स्पीकिंग स्किल्स की बात क्यों ना करें, लिसनिंग स्किल्स की बात हम क्यों करेंगे. तो इसका जवाब एक छोटे से क्वेश्चन में छिपा हुआ है. आई एम गोइंग टू आस्क यू, आई एम गोना आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन गाइज. आप मुझे जरा बताएं, सोचकर बताएं कि किसी भी लैंग्वेज को जब बात सीखने की आती है तो हाउ डू वी हैव टू स्टार्ट इट, कैसे हमें इसे स्टार्ट करना होता है. जब किसी भाषा को सीखने की बात होती है तो भला इसकी शुरुआत कैसे की जाए. नाउ यू गाइज नीड टू गो बैक टू योर चाइल्डहुड एंड रिकॉल द डेज व्हेन यू वर स्ट्रगलिंग टू लर्न अ लैंग्वेज. आप बचपन की बातों को याद करें, बचपन के वो दिन याद करें जब हम भाषा हिंदी को सीखने का संघर्ष कर रहे थे. आपको याद आएगा, प्रैक्टिकली यू विल बी एबल टू रिकॉल इट, कि ना आपने भाषा को पहले पढ़ना सीखा, ना लिखना सीखा, ना ही बोलना सीखा. सबसे पहले गाइज आपने भाषा को सुनना और समझना सीखा. इजन्ट इट राइट? दैट्स वेरी ट्रू, मोर देन ट्रू एक्चुअली. बिल्कुल सच है ये बात कि जी हाँ, किसी भी भाषा को सीखने की शुरुआत उसे समझने से ही की जाती है, सुनने से ही की जाती है. इसलिए आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंप्रूविंग लिसनिंग स्किल्स, कि हम अपनी लिसनिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें और हम इंग्लिश मूवीज, नेटिव स्पीकर्स और जो भी इंग्लिश सॉन्ग्स हैं उन्हें आखिर कैसे समझ पाएं. अक्सर सुना जाता है, लोग कहते रहते हैं कि यार इंग्लिश को समझ तो मैं पूरा लेता हूँ लेकिन जब बात बोलने की आती है तो मैं बोल नहीं पाता. आज इस वीडियो में मैं कुछ छोटे छोटे क्लिप्स आपको दिखाऊंगा, वीडियो क्लिप्स मेरे पास होंगे फ्रॉम सम टीवी शोज एंड फ्रॉम वन स्पीच. ठीक है, इन वीडियोज़ को देखकर हम अपने लिसनिंग स्किल्स को, हम खुद को असेस करेंगे कि आखिर हमारी लिसनिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, कहाँ तक हम चीज़ों को समझ सकते हैं और कितनी समझ है हमारी अंग्रेजी को, अंग्रेजी भाषा को समझने की. हम बात करेंगे और आगे चलेंगे. चलिए ठीक है, तो मैं वीडियोस दिखाना शुरू करूंगा गाइज, आप देखेंगे. और मैं आपको पहले बता दूं, यू नीड टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैं जो क्लिप्स आपको दिखाऊंगा वो धीरे धीरे ग्रेजुअली उनका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा होगा, उनकी डिफिकल्टी जो है थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही होगी. ठीक है ना, मैं बढ़ाऊंगा ताकि हम समझ सकें कि आखिर हमें लैंग्वेज को कैसे देखना और समझना है. तो चलते हैं गाइज, सबसे पहले हम वीडियो को देखना समझना और शुरू करते हैं. मैं पहला वीडियो आपको दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं. हियर कम्स द फर्स्ट वीडियो गाइज. सॉरी, आई डिडंट मीन दैट. यू वुडन्ट हैव सेड इट इफ यू डिडन्ट मीन इट. सॉरी, I didn't mean that. You wouldn't have said it if you didn't mean it. Yes, guys, देखा आपने वीडियो? Did you listen to what he said? They were talking to each other. दो लोग आपस में बात कर रहे थे और क्या आपने देखा, सुना, समझने की कोशिश की कि पहले ने दूसरे से और दूसरे ने पहले से क्या कहा? I'll explain it to you people easily. तो पहले ने कहा था I didn't mean it. ये तो फिर भी समझ में आपको आ गया होगा, लेकिन जो दूसरी बात, जो the second, the other guy spoke, what did he say? क्या बोला? I'll tell you. उसने कहा you wouldn't have said it if you didn't mean it. उसने कहा यू वुड नॉट हैव सेड इट इफ यू डिड नॉट मीन इट. यू वुड नॉट हैव सेड इट इफ यू डिड नॉट मीन इट. अब इस सेंटेंस को रिडक्शन, रिडक्ट करते हुए, चीज़ों को कनेक्ट करते हुए, स्पीच को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट स्पीच बोलते हैं उसे गाइज, और जब वर्ड्स को रिडक्ट करते हैं हम रिडक्शन बोलते हैं. तो ड्यू टू दीज रिडक्शंस एंड करेक्ट स्पीच, इन्हें समझ पाना नेटिव स्पीकर्स को या फ्लुएंट स्पीकर्स को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो मैं बताता हूँ किस स्पीड में और क्या बोला उन्होंने. सेकंड स्पीकर स्पोक, ही सेड यू वुडन्ट हैव सेड इट इफ यू डिड मीन इट. यू वुडन्ट हैव सेड इट You wouldn't mean it. You wouldn't have said it. तो ये would not have को क्या बना दिया? You wouldn't have said it. Wouldn't have said it if you didn't mean it. Did not को didn't. Did not को didn't. और short किया गया तो didn't बोल दिया गया. तो क्या बोला गया? You wouldn't have said it if you didn't mean it. Did I make it clear? अब ये बातें हमें क्यों समझ में नहीं आती? Due to reductions. ये reductions क्या होते हैं? End of the video में आपको बताऊंगा और इन्हें मैं समझाने की trick भी आपको दूंगा, समझने की trick दूंगा कि कैसे आप चीज़ों को समझ सकते हैं, चीज़ों को language में reductions कैसे होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, चलिए. और ऐसा, हाँ, ऐसा सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं होता है. रिडक्शंस हैपन इन ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज, हर भाषा में होते हैं. जब हम हिंदी की बात करते हैं तो गाइस, जब हम फ्लुएंट होते हैं और बात कर रहे होते हैं तो कई बार हम हिंदी में भी रिडक्शन करते हैं. बट बिकॉज वी आर नेटिव स्पीकर्स फॉर हिंदी, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, वी कैन स्पीक इट वेल. तो हम चीज़ों को रियलाइज नहीं करते कि हमने रिडक्शन किया हुआ. बट वेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग अनदर लैंग्वेज विच वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स ऑफ, वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. जब हम किसी भी दूसरी भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं जो कि हमारी अपनी भाषा नहीं है, मातृभाषा नहीं है, तो वहां पर रिडक्शंस और कनेक्ट स्पीच हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं. राइट? देखिए, फॉर एग्जांपल, आपने किसी से कहा दोस्त मैं ये काम कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ ही में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, हिंदी की बात मैं आपको बता रहा हूं. तो अभी जो मैंने बोला कि मेरे हाथ ही में नहीं है, आर वी टॉकिंग अबाउट सम एलिफेंट? एन एलिफेंट? नॉट एट ऑल. हाथ ही में नहीं, ये तो गलत बोल दिया मैंने. लेकिन नहीं,
ये बात समझ में आती है, बोलने वाला बोलता है और सुनने वाला इस बात को समझ जाता है, यही रिडक्शन होता है। तो बोलना क्या चाहिए था मुझे, हाथी में नहीं, ये ना बोलकर मुझे बोलना चाहिए था ये मेरे हाथ ही में नहीं है। लेकिन इतना इनंसिएट करने की कोई जरूरत नहीं होती, बिकॉज हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ऐसा दूसरी भाषाओं में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, और यही एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए। तो एंड ऑफ द वीडियो में कई रिडक्शन आपको बताऊंगा कि कैसे रिडक्ट करते हैं चीज़ों को, कैसे कनेक्ट करते हैं स्पीच को और क्या करेंगे। चलिए हम चलते हैं सेकेंड वीडियो को, देखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं। हियर कम्स द सेकेंड वीडियो। Do you want to get your face painted like a pretty butterfly? No, I'm just not in the mood. Right, guys. So, did you listen to the guy, what he said in the video and how fast he was while speaking a sentence? एक सेंटेंस को बोलते समय कितनी तेजी से बोल गया, और इसी वजह से रिडक्शन की वजह से, कनेक्ट स्पीच की वजह से वो हमें समझ में नहीं आया। फिर से देखते और समझते, एक बार फिर से इस वीडियो को देख लें आप। Do you want to get your face painted like a pretty butterfly? No, I'm just not in the mood. Right. अब मैं आपको बताता हूँ क्या बोला। बोला गया, do you want to get your face painted like a pretty butterfly? क्या बोला गया, मैं फिर से बोलता हूँ slow, do you want to get your face painted like a pretty butterfly? और यही चीज जब फ्लो में बोली गई, रिडक्ट कर रिडक्शन के साथ बोली गई, स्पीच को कनेक्ट करते बोला गया, तो he spoke very fast and he said, do you want to get your face painted like a pretty butterfly? Do you want to get your face painted like a pretty butterfly? तो do you क्या बन गया, do you, और want to क्या बन गया, wanna, और get your face क्या बन गया, get your face। फिर से बोलता हूं मैं, do you want to get your face painted like a pretty butterfly? अब जो painted था, word painted था, उसको painted बोल दिया गया। do you want to get your face painted like a pretty butterfly? है ना? तो देखा आपने कि एक पूरा सेंटेंस, इट साउंड्स लाइक वन वर्ड फॉर अस। जब चीजों को हम कनेक्ट करते हुए चलते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो इट साउंड्स लाइक वन वर्ड एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेटिव स्पीकर्स एंड द फ्लुएंट स्पीकर्स। डोंट वी हैव टू लर्न हाउ टू अंडरस्टैंड देम एज वेल? क्या हमें यह नहीं सीखना है कि हम नेटिव स्पीकर्स इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश सॉन्ग्स और फ्लुएंट स्पीकर्स को कैसे समझ पाए? ये चीजें कैसे परेशान करती हैं, इन चीजों को मैं बताऊंगा, हाउ टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। डोंट वरी, लेट्स गो टू आवर थर्ड क्लिप। You guys really think about getting another housekeeper? Because, I mean, how would you feel about paying me to do it? We're looking for somebody with a little experience. You guys really think about getting another housekeeper? Because, I mean, how would you feel about paying me to do it? We're looking for somebody with a little experience. Yes, guys. Did you listen to what she said? Huh? समझ में आया आपको? शायद समझ में इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि she was very fast while speaking sentences. हमें कई बार तो ऐसा लगता है कि एक sentence था या बहुत बड़ा कोई word था, है ना? मैं बताता हूँ क्या कहा। She spoke, are you guys really thinking about getting another housekeeper? Are you guys really thinking about getting another housekeeper? Because I mean, how would you feel about paying me to do it? अगर मैं स्लो बोलूँ तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, बट शी वॉज वेरी फास्ट, लाइक यू नो, मैं बोलकर दिखाता हूँ क्या किस तरह से कितनी फास्ट बोला गया। आर यू गाइस रियली थिंकिंग अबाउट गेटिंग अदर हाउसकीपर? बिकॉज आई मीन, हाउ वुड यू फील अबाउट मी, अबाउट पेइंग मी टू डू इट? वंस मोर मैं बोलता हूँ आपके लिए, आर यू गाइस रियली थिंकिंग अबाउट गेटिंग अदर हाउसकीपर? बिकॉज आई मीन, हाउ वुड यू फील अबाउट पेइंग मी टू डू इट? तो सेंटेंस जो बहुत फास्ट बोला जाता है, चीज़ों को रिडक्ट किया जाता है, चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है, तो हमारे लिए परेशानी बन जाती है। और अगर यही चीज़ मैं स्लो बोलूँ थोड़ा सा, आर यू गाइज रियली थिंकिंग अबाउट गेटिंग अनदर हाउसकीपर? बिकॉज आई मीन, हाउ वुड यू फील अबाउट पेइंग मी टू डू इट? तो चीज़ें पूरी समझ में आती हैं। और यही जब मैं जोड़ता हुआ चलता हूँ, कनेक्ट स्पीच करता हूँ, नेटिव स्पीकर्स, फ्लुएंट स्पीकर्स रिडक्शन बहुत करते हैं, स्पीच को कनेक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ दीज रिडक्शंस एंड कनेक्ट स्पीच, दे एक्चुअली साउंड फास्ट, स्पीक फास्टर एंड साउंड मोर नेचुरल। Did I make it clear? Or due to these reductions and connect speech, our language flows and sounds smooth. एक भाषा बहुत लयबद्ध हो जाती है, बड़ी सुंदर लगती है reductions और connect speech को connect करने की वजह से। तो native speakers do it every time. And we have to be able to understand them too. ठीक है ना? तो guys, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, क्या बोला lady ने? Are you guys really thinking about getting another housekeeper? Because I mean, how would you feel about paying me to do it? Right? तो चलते हैं। ये आपने देखा रिडक्शन की वजह से, मैं आप फिर अभी डिस्कस करूंगा। लेट्स मूव टू आवर लास्ट वीडियो, द फोर्थ वन। आई वाज रनिंग लेट फॉर क्लास, सो आई थ्रो ऑन अ टी-शर्ट एंड आई डिडंट रियलाइज अंटिल आफ्टरवर्ड्स दैट आई पुट इट ऑन इनसाइड आउट एंड बैकवर्ड्स, माय टैग वाज स्टिकिंग आउट द फ्रंट। आई कुडंट फिगर आउट व्हाई नो वन इन क्लास वुड टॉक टू मी। ये गाइस, डिड यू लिसन टू व्हाट ही सेड? ही वाज वेरी फास्ट, वाजंट ही? यस, ही वाज। चलिए मैं बताता हूं आपको कि क्या बोला गया। So he said, I was running late for class, so I threw on a t-shirt. I didn't realize it until afterward that I put it on inside out and backwards and my tag was sticking out at the front. I could not figure out why no one in class would talk to me. ये तीन चार सेंटेंसेस थे, बहुत फास्ट बोले गए इसलिए नहीं समझ पाए। अगर स्लो बोला जाता, चीज़ों को कनेक्ट नहीं किया जाता, रिडक्ट नहीं किया जाता। सी, ही न्यू इट वेरी वेल वेयर टू एम्फसाइज एंड वॉट टू स्ट्रेस। जिन चीज़ों पर वो फोकस चाहता
जिन चीज़ों पर फोकस था करना था उस उन्हें फोकस किया गया, उन्हें स्ट्रेस किया गया और उन्हें समझाया गया, और जो चीज़ें दे वर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी उन्हें एक साथ जोड़ दिया गया। मैं फिर से बोलता हूँ क्या बोला गया। आई वॉज रनिंग लेट फॉर क्लास सो आई थ्रू ऑन अ टी शर्ट एंड आई डिडंट रियलाइज इट अंटिल आफ्टर वर्ड दैट आई पुट इट ऑन इनसाइड आउट एंड बैकवर्ड्स एंड माई टैग वॉज स्टिकिंग आउट एट द फ्रंट। आई कुड नॉट फिगर आउट कुड नॉट को क्या बोला गया, कुड नॉट को कुडंट, और भी शॉर्ट किया गया कुंट। आई कुडंट फिगर आउट व्हाई नो वन इन क्लास वुड टॉक टू मी। So this is how native speakers speak, fluent speakers speak, and we need to be able to understand them as well. हम आपस में ही बात कर लें, एक दूसरे को समझ लें। अंग्रेजी को सीखने का, अंग्रेजी भाषा को सीखने का सिर्फ ये मोटिव एजेंडा नहीं होना चाहिए। We must be able to understand each and every speaker. जी हाँ, और हाँ, इस वीडियो इन वीडियोज के थ्रू आई एम नॉट आस्किंग यू पीपल टू स्पीक द वे दे आर स्पीकिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वैसे ही बोलने लग जाएं जैसे ये बोल रहे हैं, बट यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्पीकर, राइट? समझना हमें आना चाहिए। एवरीबडी हैज हिज ओन स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, हिज ओन स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, वॉकिंग एंड टॉकिंग, बट वी मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स एज वेल। चलिए, अब आपने चार वीडियोस देखे, आई होप आपने थोड़ा थोड़ा यहाँ समझा होगा और चीज़ों को भी समझे होंगे। आखिर हम नहीं समझ पाए अगर स्पीच को, सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, तो क्यों नहीं समझ पाए? यस गाइज, आई होप आपने सेंटेंस पढ़ लिए होंगे और समझ लिए होंगे। मैं आपको बताता हूँ और ज़्यादा प्रैक्टिस लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की कैसे करेंगे। गाइज, यू नीड टू वॉच English movies, listen to English songs and listen to English speakers, native speakers, ठीक है? जब English movies या songs देते हैं, try to listen to them, try to understand them, subtitles के साथ देखा करें आप, और जहाँ पर चीज़ें आपको समझ में नहीं आती वहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं and read the subtitles and try to get. This video is meant to be very good and useful for the advanced level of speakers. जो एडवांस स्पीकर्स हैं, जो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं, बोल पाते हैं इंग्लिश में, उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा। लेकिन जो बिगनर्स हैं, लैंग्वेज को सीख रहे हैं, अभी शुरुआत की जिन्होंने, उनके लिए और मैं बेसिक लेवल से वीडियोस बनाकर यहाँ अपलोड करूंगा, और आई होप ये वीडियो बहुत यूजफुल रहा होगा आपके लिए। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, एट लास्ट आई वॉन्ट यू गाइज कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि आपके फीडबैक मुझ तक पहुँच पाएँ और अकॉर्डिंग टू योर फीडबैक मैं चीज़ें कर पाऊँ, अपना बेस्ट आपको दे पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। माई नेम इज़ जयश यादव।